नमस्कार मित्रों, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, हर वैज्ञानिक जिसने आउटस्टैंडिंग कोई भी कार्य किया है प्रेरणा का एक अदम्य स्रोत होता है। पहले मैं दो वैज्ञानिकों का नाम जरूर लेना चाहूंगा। मैंने कहा था मैडम क्यूरी हिस्ट्री में एक ऐसा परिवार है जिसमें दो सक्सेसिव जनरेशन ने 5 नोबेल प्राइज लिए थे, दो सक्सेसिव जनरेशन निकटतम पीढ़ियों ने 5 नोबेल पुरस्कार लिए थे और आज दिन तक 1903 से उनके इतिहास को किसी ने ब्रेक नहीं किया है। दूसरा, मैंने एक ऐसे पिता पुत्र का उदाहरण पेश किया था। मैंने कहा था 5-6 पिता पुत्र हैं जिन्होंने दोनों ने ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, लेकिन विलियम हेनरी ब्रेक और विलियम लॉरेंस ब्रेक 1915 में एक ही साथ जब नोबेल सेरेमनी में नोबेल प्राइज लेने गए थे स्टेज पर, क्या नजारा रहा होगा। एक ही सब्जेक्ट फिजिक्स में और एक ही टॉपिक पर पिता पुत्र का एक साथ नोबेल पुरस्कार ग्रहण करना, ये सीन मैं समझता हूं इस सीन की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज मैं जो बताने जा रहा हूं हेनरी बेकरेल फैमिली के बारे में, या ये कह दूं जीनियस बेकरेल फैमिली। मैं समझता हूं हेनरी बेकरेल का नाम हर स्टूडेंट ने सुना होगा जिसने साइंस 10 तक भी पढ़ी होगी। जब भी हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, रेडियो एक्टिविटी की खोज यूरेनियम पर काम करते हुए हेनरी बेकरेल ने ही की थी। हेनरी बेकरेल को 1903 में फिजिक्स का भौतिक पुरस्कार मिला था, 50% हेनरी बेकरेल को मिला था और रिमेनिंग 50% उनके स्टूडेंट मैडम क्यूरी और मैडम क्यूरी के हस्बैंड पियर क्यूरी को मिला था। एंड हेनरी बेकरेल वॉज द पीएचडी एडवाइजर ऑफ मैरी स्क्लोडोवास्का क्यूरी। फ्रेंड्स, आज का भी मैं जो एग्जाम्पल लाया हूं, मैं नहीं समझता कि विश्व में कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने नोबेल पुरस्कार लिया था, क्या 4 जनरेशन एक ही सब्जेक्ट में रिसर्च वर्क करते रहे हैं? मुझे तो याद नहीं आता, स्मरण में है नहीं कोई ऐसा परिवार हो। हेनरी बेकरेल जो आप एक्सट्रीम लेफ्ट पिक देख रहे हैं और उनका नाम भी लिखा हुआ है, मैंने कहा 1903 का नोबेल प्राइज ही अपने आप में हेनरी बेकरेल को सुशोभित करके उनके भौतिक शास्त्र के प्रति समर्पण की गाथा गाथा है। मिडिल एडमंड बेकरेल, हेनरी बेकरेल के फादर, ए ग्रेट फिजिसिस्ट, एंटोनी सीजर बेकरेल एक्सट्रीम राइट, ग्रैंड फादर ऑफ हेनरी बेकरेल, फादर ऑफ हेनरी बेकरेल एडमंड बेकरेल, ग्रैंडफादर एंटोनी सीजर बेकरेल, बोथ वर ए ग्रेट फिजिसिस्ट, नॉट ओनली फादर एंड ग्रैंडफादर बट द सन ऑफ हेनरी बेकरेल जीन बेकरेल वाज आल्सो ए ग्रेट फिजिसिस्ट हु डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च। फ्रेंड्स, ऐसे उदाहरण हैं, क्या 4 जनरेशन में यदि कोई हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, एक ही सब्जेक्ट पर रिसर्च करके उस सब्जेक्ट को सुशोभित करना, अपनी नॉलेज से इनरिच करना, ये जरूर इतिहास के ऐसे फिगर हैं जिनको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और ये अमिट रहेंगे। मैं समझता हूं, एक बार फिर मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, बेकरेल परिवार ऐसा परिवार है जहां 4 जनरेशन ने एक ही फिजिक्स में रिसर्च वर्क करके अपने आप को डिवोट करके एक कहानी रची थी। और यदि मैं ये कहूं हेनरी बेकरेल, उन्होंने तो 1903 का रेडियो एक्टिविटी की खोज का नोबेल पुरस्कार लेकर ही भौतिक शास्त्र को सुशोभित किया था। पसंद आया होगा, मुझे पूरी आशा है ये वीडियो।